नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक युवक की मौत, तीन घायल, बैयर रोड पर पीपर टोला के पास की घटना। भारतीय स्टेट बैंक की पहल, मिनिमम बैलेंस और एसएमएस पर नहीं लगेगा चार्ज। राजस्व विभाग में हर काम ऑनलाइन, पटवारी को लैपटॉप का इंतजार। 31 मार्च तक मैरिज लॉन में नहीं बज पाएगी शहनाई, जिला प्रशासन ने दिए लॉन बंद करने के आदेश। विधि और विधायी कार्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश, पूर्व अभियोजक और लोक अभियोजक बने रहेंगे यथावत। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 18 से 22 मार्च के बीच जिले में फिर हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। कलेक्टर दीपक आर्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी सहायक कलेक्टर अक्षय ताम्रवाल को आगामी आदेश तक के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैलांजी के पद पर पदस्थ किया है। श्री ताम्रवाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ रहने पर सुरेश कुमार इंदुरकर विकास खंड अधिकारी खैलांजी के कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई और आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मैरिज लॉन, पुस्तकालय, जिम, पार्क, कोचिंग क्लास को बंद रखने के आदेश दिए। आम जनता से अपील की गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी घोषित इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता का परिचय दे, सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ना जाए। भरविल थाना के अंतर्गत बैयर रोड पीपर टोला के पास कार अनियंत्रित होकर पलटने से चार युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक संकल्प पिता जितेंद्र बिसेन 27 वर्ष हिमाचल नगर बारासिवनी निवासी की मौत हो गई। यह घटना 17 मार्च 4:30 बजे उस समय हुई जब चारों युवक कार में गांगुलपारा घाट से बालाघाट की ओर आ रहे थे। इस दौरान तीन युवक घायल, हेमंत पिता राजकुमार लिल्लारे 20 वर्ष, डबल पिता नामेश्वर पटले 20 वर्ष, दोनों बारासिवनी एवं श्रेयांश पिता अविनाश सोनी 20 वर्ष लांजी वर्तमान निवासी बालाघाट को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लालबुरा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 17 मार्च को समस्त संकुल प्राचार्य व लिपिकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सेवानिवृत्ति, मृतक कर्मचारी के पेंशन प्रकरण, छात्रवृत्ति 2019-20 के अपडेशन एवं मैपिंग, अभिलाषा कोचिंग कक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों की जानकारी, सत्र 2011-12 से सत्र 2018-19 तक एनपीएस गुम क्रेडिट, आयकर तथा वृत्तिकर की कटौती व माह के 25-26 तारीख तक वेतन देयक प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक चर्चाएं कर समीक्षा की गई। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीएस कुरुवेती के द्वारा प्राचार्यों व लिपिकों को महत्वपूर्ण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आज जो है वेतन से लेकर जो होम क्रेडिट एनपीएस की राशि थी उसका जो 2011-12 से लेकर होम क्रेडिट चल रही है उसका मिलान करके लेयर प्रस्तुत करने के संबंध में बैठक रखी गई थी और जो हमारे वेतन के संबंध में जो भी पेंशन प्रकरण से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा वेतन दे समय पर इस महीने मार्च एकांत होने के कारण नहीं जमा हो पाए थे उसके संबंध में बैठक। सर कौन कौन उपस्थित था यहाँ पे? यहाँ पर समस्त आरण वितरण अधिकारी पूरे विकासखंड लालबाड़ा के उपस्थित थे। और सर क्या निर्णय लिया गया यहाँ बैठक? निर्णय ये लिया गया कि अब समय पर जो है जैसे पेंशन प्रकरण है वेतन देयक के 26 तारीख तक जमा करने के लिए कहा गया और उसमें जैसे सीएम हेल्पलाइन के प्लेटफॉर्म पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे वन सुरक्षा श्रमिकों ने वन विभाग के द्वारा दिए गए आश्वासन पर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई।
मंगलवार को वन विभाग के सहायक वन संरक्षक बीएस श्याम और अमित पटोदी धरनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त कराया। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि वन विभाग से जुड़े वन श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, जिसको आज वन विभाग के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी करने के बाद सरकारी विभागों के द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा 31 मार्च तक सभी खेल कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। इस संदर्भ में कराते प्रशिक्षक सचिंद्र कृष्णन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, खेल कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारे सभी जिला प्रशिक्षणों में कोरोना जो वायरस है, इसके कारण से हमको निर्देश मिले हैं कि किसी भी प्रशिक्षण केंद्र में खेलों का संचालन ना किया जाए, और इस हेतु हमने अपने सभी प्रशिक्षणार्थियों को ये व्हाट्सएप और मौखिक फ़ोन के द्वारा सूचित कर दिया है कि अभी अगले दिनांक तक, जब तक हमको निर्देश यह मिल नहीं जाते कि क्लास लगानी है, 31 मार्च तक क्लासेस अभी कराटे क्लास बंद रहेगी हमारे सेक्टर की बालाघाट। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर भी आपने सूचना दे दी है? विकासखंड स्तर पर सूचना देने का कार्य हमारे युवा समन्वयकों का है, उन्होंने अपने अपने जो शिक्षण केंद्र है जो उनके अधिकार क्षेत्र में, उन सभी को सूचित कर दिया है। अच्छा, सभी खेलों में ये लगा हुआ है क्या? खेलों के संबंध में तो मैं जिला कराटे शिक्षण केंद्र का कोच हूँ, इसलिए मैंने मेरे अंतर्गत जो कराटे कोच सेंटर है वहाँ मैंने अपने बच्चों को निर्देशित किया है। इसी प्रकार विश्व के कई देशों के साथ ही भारतवर्ष में कोरोना वायरस के प्रभाव और संक्रमित लोगों के लिए जीवन रक्षक बनने वाले सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी की जान जोखिम में पड़ने की दशा में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उन्हें आर्थिक सुरक्षा और जोखिम निधि का लाभ दे। यह पहल जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने किए हैं। डॉक्टर नीलय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा बकायदा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को पत्राचार किया गया है, जिसमें इस बात की मांग रखी गई है कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन रक्षक बनने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी यदि इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सुरक्षा जोखिम निधि का लाभ दिया जाए। सरकारी अस्पताल में पदस्थ जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, केवल यही लोग हैं जो कोरोना वायरस के मरीज के संपर्क में आते जा रहे हैं और वे इनके पास जाके उसका इलाज कर रहे हैं। मैं भी सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्यों ना हमारे अस्पताल में सारे कार्यरत जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस, टेक्नीशियन वगैरह हैं, यदि वे कोरोना वायरस के मरीज के इलाज करते करते उनको भी संक्रमण हो जाता है और इतना धोखे से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार पर भी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री जैन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर अपने अनुभव और जानकारी साझा की जा रही है, जिससे जिलेवासियों के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही है। सरकार को कुछ आर्थिक मदद या हम जो बोलते हैं रिस्क अलाउंस, जोखिम निधि सरकार को देना चाहिए और इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ये सिक्योरिटी भी होना चाहिए, मतलब कि अगर आपके परिवार की जिम्मेदारी सरकार लेती है, आपकी मृत्यु यदि कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करते हो जाती है, तो मुझे लगता है सारे लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना खत्म हो जाएगी और लोग और अच्छे से कोरोना मरीज के संक्रमण के जो मरीज उसके इलाज इस कारण से कर पाएंगे कि अगर हम। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा में धान की राशि का भुगतान पाने के लिए पहुंचे क्षेत्रीय कृषकों को ब्रांच मैनेजर गिरीश गुप्ता के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान श्री गुप्ता व बैंक कर्मचारियों के द्वारा कृषकों को सैनिटाइजर से हाथ धोकर अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही कृषकों को चेहरे में मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करने, बार बार पानी से हाथ धोने एवं संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने हेतु सलाह दी गई। कोरोना वायरस के से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो अल्कोहल सैनिटाइजर है उससे बार बार हाथ धोते रहे और साबुन से बार बार हाथ धोते रहे। अपने शरीर को आँख, कान और मुँह को टच नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी संक्रमित है कोई तो उससे 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और छींकते समय वो कपड़े रख के छींक रखें, मास्क का उपयोग करें। लालबरा के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य समाप्त होने के पश्चात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा लालबरा में प्रतिदिन सैकड़ों किसान अपने खातों में जमा हुई राशि को निकालने के लिए पहुंच रहे हैं।
जिसमें किसानों की संख्या अधिक होने के कारण बैंक के द्वारा लिमिट के आधार पर राशि का भुगतान किया जा रहा है। क्षेत्रीय कृषकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि का भुगतान पाने के लिए बैंक आकर अपने खातों को खंगाला जा रहा है। वहीं ऐसे किसान जिनके खातों में राशि जमा हो गई है, वे लोग राशि निकालने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। और भी अन्य कृषकों की क्या अन्य कृषकों की स्थिति है कि मतलब बीच में बहुत दिक्कत है, लेकिन अभी जो है काफी माल यहाँ पेमेंट भी कर रहा है। फिलहाल तो काफी कुछ किसानों को राहत है, और जहाँ का माल नहीं उठा भैया उठ भी गया है तो वहाँ तक काफ़ी लोगों का पेमेंट आने में भी आ रहा नहीं, भुगतान भी हो रहा है, भुगतान हो रहा है बहुत काफ़ी। भुगतान का क्या है कि क्या बोलते हैं, जितनी मतलब खरीदी हुई है 58 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है लालगढ़ ब्रांच में, जिसमें से 21 करोड़ रुपए तो हमने क्या बोलते हैं लोन की कटौती कर दी है। शेष बचे में से 22 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, और अभी जो बाकी और शेष बाकी भुगतान शेष है तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, बराबर पैसा दिया जा रहा है। जैसे जैसे मतलब दो हर मतलब ने दिन हमने दो समिति डिवाइड किए हैं उसके हिसाब से देते आ रहे हैं, और जो लोग जिनके यहाँ पे कुछ शादी विवाह का कार्यक्रम है उन लोगों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो क्या लिमिट है सर अभी? लिमिट अभी तो क्या बोलते हैं 20,000 रुपये। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार जिला आयुष विंग चिकित्सालय बालाघाट में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत के मार्गदर्शन में आयुष विंग प्रभारी डॉक्टर दीपाली वाकड़े के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तुलसी व त्रिकुट चूर्ण से निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा आमजनों को पिलाया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत ने बताया कि यह औषधि युक्त काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह काढ़ा आयुष विंग में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पिलाया जाना है। अतः आम जनों से अपील की गई है कि इस आयुर्वेदिक औषधि का आयुष विंग जिला चिकित्सालय बालाघाट में आकर अवश्य सेवन करें। यह काढ़ा निःशुल्क पिलाया जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2020 को अपर कलेक्टर बालाघाट का कार्यभार संभाल लिया है। श्री राघवेंद्र सिंह की सेवाएं बिहार संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपर कलेक्टर बालाघाट के पद पर पदस्थ किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 18 से 22 मार्च 2020 तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस अवधि में सापेक्ष आर्द्रता 60 से 74% रहने की संभावना है, और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया गया है। जिले के किसानों को इस मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के सचिव के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोक अभियोजक बालाघाट और अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही लोक अभियोजक बालाघाट के पद पर अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला और अतिरिक्त लोक अभियोजक बालाघाट के पद पर अधिवक्ता संजय गौतम, अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह चौधरी की नियुक्ति की गई थी। उच्च न्यायालय जबलपुर से पारित आदेश के अनुसार पूर्व के लोक अभियोजक बालाघाट के पद पर नियुक्त अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक बालाघाट के पद पर नियुक्त अधिवक्ता अभिजीत बापट और अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील वारासुनी के पद पर नियुक्त अधिवक्ता राजेंद्र कोहाड़ आगामी आदेश तक अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित किया गया है, जिसे देखते हुए किरणापुर जनपद सीओ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत किरणापुर से लगे हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के भीतर नाते रिश्तेदारी में न आने दिया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, बाहरी प्रांत के लोग यदि आकर ठहरते हैं तो इस विषय पर तत्काल खंड चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी जाए। यही नहीं, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में 10 व्यक्ति को एक ही स्थान पर काम करने न दिया जाए सहित अन्य आदेश। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू डू टुडे, वी नो जस्ट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू। Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming
work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no drop in performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की, या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की खबर, चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी की, लाल बर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में 17 मार्च को जिले के 71 परीक्षा केंद्रों में 5,877 छात्रों ने समाजशास्त्र का पेपर हल किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार कुल छात्रों की दर्ज संख्या 6,301 थी, जिसमें 424 अनुपस्थित रहे। जिले में एक नकल प्रकरण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में बना। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सिंधी समाज के द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए श्री झूलेलाल जी की जयंती के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल जी की जयंती 25 मार्च को मनाई जानी है, लेकिन जिला प्रशासन के आह्वान और उनके आदेश का सम्मान करते हुए इस वर्ष झूलेलाल जयंती के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इस दौरान झूलेलाल जयंती पर सिर्फ मोदक पूजा और हवन पूजन से इष्ट देव का पूजन होगा। आज पूज्य सिंधी पंचायत की बैठक बुलाई गई थी सुबह 11 बजे। इसमें पूरे समाज ने निर्णय लिया कि कोरोना वायरस को देखते हुए और कलेक्टर के जो आदेश निकले हुए उनको भी ध्यान में रखते हुए कि ये जो कार्यक्रम है वो बहुत शार्ट रूप में किया जाए, और जिस प्रकार हमारी रैली निकलती है और जुलूस निकलता है, ये सब कार्यक्रम अपन ने स्थगित कर दिए हैं। लंगर जो होता है वो भी स्थगित कर दिए हैं। सिर्फ मोदक पूजा मंदिर में की जाएगी बहुत छोटे रूप में, और उसका विसर्जन किया जाएगा। ये सब पूज्य पंचायत के सभी समाज ने मिलकर ये तय किया है। सर, कब का कार्यक्रम था ये? 25 तारीख का कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीते कई वर्षों से लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा लागू किए जाने के बाद विभाग के सरकारी मशीनरी कबाड़ हो गई, जिसे बेचने की तैयारी अब सरकार कर रही है। बालाघाट लोक निर्माण विभाग जिला कार्यालय के द्वारा बीते दिनों ही बालाघाट, लालबर्रा, रामपाली सहित अन्य कार्यालयों में रखी कबाड़ मशीनरी की जानकारी वरिष्ठ स्तर पर भेज दी गई है। अपने यहाँ जो प्लांट पड़े हैं उसमें 5-6 रोलर हैं, जो लालबर्रा रेस्ट हाउस में है, रामपाली रेस्ट हाउस में, और अपने यहाँ PWD कैंपस में खड़े हैं वो है, और कुछ कैंटर और ट्रक है और पुरानी जीप है। इनको मिला के लगभग 380,000 का अपना प्लांटों का आ रहा है, और जो स्क्रैप मटेरियल है जिसके कि नीलाम किया जाना है,
वो लगभग 2-2.5 लाख के वो हैं। इस प्रकार से 6,14,000 के लगभग का अपने यहाँ से पूरा वैल्यूएशन प्लांट का और स्क्रैप का गया हुआ है शासन को, जिसकी स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर की जाएगी। कब भेजा गया था ये पूरी जानकारी? ये जानकारी लगभग 1-1.5 माह होने आ रहा है, अपन ने उसकी जानकारी प्रस्तुत किए हैं और इसमें जो निर्देश दिया गया था कि इसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो अभी आगे की ही कार्रवाई के लिए भेजी गई है। कितना टोटल कितने का होता है सर आपके विभाग का पूरा? हमारे विभाग का लगभग 6,14,000 के करीब का हम लोग ने वैल्यूएशन भेजा हुआ है प्लांटों का और स्क्रैप मटेरियल का मिलाकर के। प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व विभाग के हर काम को ऑनलाइन कर दिया गया है, बावजूद इसके कि अब तक जिले के पटवारियों को लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस कारण पटवारियों को हर काम के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा करने से उन्हें ऑनलाइन काम के लिए तहसील कार्यालय आना पड़ता है, जिससे फील्ड का काम पिछड़ जाता है। इस कारण उन्हें कई बार नोटिस जैसे कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। हाँ सर, ये देखा गया कि जैसे अगर सरकार ने घोषणा की थी कि लैपटॉप देने की, लैपटॉप नहीं मिलता है तो क्या दिक्कतें होती जैसे बिना लैपटॉप के आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में हम लोग पटवारी लोग जो काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन काम हो चुका है। सारे काम सिस्टम पे किए जा रहे हैं, कंप्यूटर पे। और चूँकि अभी पटवारियों के हाथ में कंप्यूटर आया नहीं है, लैपटॉप मिला नहीं है, इसलिए जो लाइन लगाकर पटवारियों को काम करना पड़ रहा है। सिस्टम की संख्या कम है तहसील में, यहाँ बैठकर सारे काम छोड़ के हम लोग तहसील में आते हैं, फिर काम निपटाते हैं, फिर वापस फील्ड में जाते हैं। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना लैपटॉप नहीं रहने से हमको करना पड़ रहा है। अगर लैपटॉप हमारे हाथ में आ जाएगा तो ये सारे काम हम फील्ड पर ही कर सकेंगे। जो हमारे ऑनलाइन बहुत से काम होते हैं, जैसे बैंक में बंधक चढ़ाना है, किसान का अपडेशन करना है, पौती करना है, नामांतरण करना है, ये सारे काम हम अपने ऑफिस में बैठ के अपने फील्ड पे रह के किसानों के समक्ष ही समस्त समस्याओं को वहाँ हम बहुत हद तक सुलझा पाएंगे। तो लैपटॉप अगर मिल जाता है पटवारियों को तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा, शासन के लिए भी, पटवारी के लिए भी और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद। शासन के द्वारा ऑनलाइन काम की महत्ता को देखते हुए सागर जिले में लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया बीते दिनों ही पूर्ण कर ली गई। अब इंतजार बालाघाट जिले के पटवारियों को भी है, जिससे उनका हर काम आसानी से हो सकेगा। सर, ये देखा गया कि प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई, मिल पाया कि नहीं मिल पाया? जी, लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक के तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लैपटॉप हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने माननीय हमारे मंत्री जी उन्होंने सागर जिले से इसकी शुरुआत की है और संभवतः बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के पटवारी के पास में लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। क्यों नहीं दे पा रहे हैं अभी तक? ये तो अब शासन के स्तर पर ही बताया जा सकता है कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी के हाथों में लैपटॉप होगा। भारतवर्ष में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। भीड़ को एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है, बावजूद इसके कि ट्रेन से रोजाना हजारों लोग सफर कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए बालाघाट स्टेशन में रेलवे के द्वारा पूरे समय कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वह अनाउंसमेंट का पालन करें और संक्रमण से बचे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वायरस से बचाव ही एकमात्र इलाज है, इसलिए सतर्कता बरतें और इन बातों का ध्यान रखें। खांसी और छींकने के दौरान अपनी नाक और मुंह को ढककर कभी अपने मास्क से अवश्य ढकें। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित धोएं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। दूसरों से संक्रमित व्यक्ति से एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें। पर्याप्त नींद और आराम लें, पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ पिए और पोषक आहार खाएं। फ्लू से संक्रमण का संदेह हो तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। बालाघाट रेलवे स्टेशन में हमारे द्वारा जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें लगातार अनाउंसमेंट चलाया जा रहा है और हमारे जो डिप्टी एसएस ऑफिस में ये सिस्टम है उसके द्वारा भी बार बार हमारे द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जिसमें पूरी तरह से बताया जा रहा है कि कैसे कैसे लोगों को सावधानियाँ रखना है और बराबर हम हमेशा वो अनाउंसमेंट चला रहे हैं।
इसके अलावा किस प्रकार के प्रयास किए जाए, क्योंकि स्टेशन, बस स्टेशन और हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने के तहत देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार के ना मास्क का यूज़ कर रहे हैं और ना ही किसी और चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपका जो अभियान चलाया जा रहा है वो कहाँ तक सफल होना मानते हैं इसको? हमारे द्वारा जो अनाउंसमेंट करके प्रॉपर अभियान चलाया जा रहा है और हम चाह ही रहे हैं कि लोग पूरी तरह सतर्क रहें और विस्तृत रूप से अनाउंसमेंट से उन्हें बताया जा रहा है कि किस किस तरह से उन्हें सावधानियाँ बरतना है। स्टेशन प्रबंधक राजेश गांधी भी मानते हैं कि निश्चित ही रोजाना हजारों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग अनाउंसमेंट सुनकर उसका पालन करें और जागरूकता का परिचय दें। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एक और बेहतर सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अतिरिक्त राशि नहीं लगेगी और ना ही उनका खाता बंद होगा। ऐसा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि छात्र और पैसों की जरूरत के समय मिनिमम बैलेंस से भी कम पैसे रखने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो ग्राहकों की सुविधा के लिए एक निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत मिनिमम बैलेंस की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। अब इसके अंतर्गत अब वो खाते में जितनी राशि वो निकाल सकता है उसमें जमा भी कर सकता है, इस पर किसी प्रकार का सेवा प्रभाव ने उससे वसूला नहीं जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उनके लिए थोड़ी बहुत राशि भी जो होती है खाते में 100 रुपये भी होता है तो भी बहुत मायने रखती है, तो उनका खाता बंद नहीं होगा मिनिमम बैलेंस के चलते, उनके जो सर्विस चार्जेस लगते थे पहले वो नहीं कटेंगे, तो इससे ग्राहकों को फ़ायदा ही होगा। हालांकि स्टेट बैंक के द्वारा मिनिमम बैलेंस और SMS दोनों के चार्ज को समाप्त करने की जानकारी साझा की गई है, लेकिन SMS के लिए लगने वाली राशि की छूट के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। SMS चार्जेस के चूंकि वो तकनीकी आधारित है तो उसकी सूचना तो आ गई है पेपरों में, और लेकिन किंतु उसका एक विशेष जो सर्कुलर होता है वो नहीं आया है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि इसको जो है बैंक द्वारा जो है अपने बैक एंड लेवल यानी जो टॉप लेवल होता है जो तकनीकी उनका जो ऑफिस होता है वहाँ से उसको लागू कर दिया गया। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, इस बात की वानगी जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। जब स्वास्थ्य विभाग के अमलों के द्वारा कुछ मंडला जिलों से नागपुर, वर्धा रोजगार की तलाश में जा रहे बैगा परिवार के लोगों को कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। कहाँ जा रहे हो वो काम करने? इनको कौन लेके जा रहा है? अपने अपने वहाँ से क्या उसमें खान पीन का वही लकड़ी जीटी बेचता बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ है तुम्हारे लिए लेकिन तुम करना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे गांव में भी काम मिल जाता है ना, रोजगार गारंटी योजना रहता है हर गाँव में। ऐसा ही बता रहे हैं, बाकी लोग गए हैं रात में तो कहें हम भी जाए। कितने लोग गए हैं? 100 लोग गए। 100 लोग? हाँ। अच्छा, ये पता है आपको कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत देश में? नहीं नहीं पता, किसी ने बताया भी नहीं? हमें तो क्या मालूम, बताया भी नहीं, पढ़े लिखे होते तो मालूम। पहली बार जा रहे हैं आप लोग यहाँ? आपको यहाँ किसने रोका आपको? यहाँ क्यों रुक गए आप लोग? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि यह बैगा समुदाय के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से अचानक शहरी क्षेत्र में आए हैं और उन्हें कोरोना वायरस की जानकारी नहीं है। आदिवासी विकास विभाग बालाघाट के अंतर्गत जिले में पदस्थ शिक्षकों को सेवा प्रारंभ तिथि से 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात कर्मोन्नति वेतनमान स्वीकृत किए जाने हेतु गठित जिला स्तरीय विभागीय कर्मोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर कुल 80 सहायक शिक्षकों और 7 उच्च श्रेणी शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया गया है। 24 वर्ष की सेवा के उपरांत कुल 1 उच्च श्रेणी शिक्षक एवं 10 सहायक शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।
12 वर्ष की सेवा के उपरांत कुल 1 सहायक शिक्षक एवं 152 प्राथमिक शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल 251 शिक्षकों को उच्चतर क्रमोन्नत स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए। इसमें जो शिक्षक जिनके 30 साल की सेवा हो गई है या 12 साल की सेवा हो गई है, तो इनमें दूसरी तीसरी क्रमोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। और इन शिक्षकों को चूँकि पदोन्नति नहीं मिल पाई है, तो इस कारण क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया है, जैसा कि शासन के निर्देश हैं। तो उसी के तहत इसमें समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में इन शिक्षकों को पात्र पाया गया, तो इनको क्रमोन्नति देने की कार्रवाई की गई है। सर, फिर भी कितने शिक्षक अपने आके हैं? ये लगभग 250 से ऊपर हैं शिक्षक जिनकी क्रमोन्नति दी गई है। और न केवल शिक्षकों को बल्कि हमारे यहाँ के लेखापाल, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी क्रमोन्नति आदेश आज जारी। नगर पालिका के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों में यातायात को अवरुद्ध करने वाले मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस लाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 17 मार्च को नगर पालिका की हाका गैंग ने नगर के हनुमान चौक, काली पुतली चौक सहित अन्य स्थानों से आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की। इस संदर्भ में नगर पालिका के कर्मचारी ओम प्रकाश ने बताया कि शहर में वर्तमान में चौक चौराहों में आवारा मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए यह मुहिम छेड़ी गई और यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी। बालाघाट शहर में जो शहर के चौकों में बैठे हुए आवारा जानवर थे, उनको पकड़ के बिजली भेजाया जा रहा है कांजियों से। कितने पाँच जानवर? अच्छा, इससे पहले भी भेजाया गया, तो अभी भी पकड़ने जाएंगे। निरंतर कार्रवाई चलते रहेगी? निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी, अभी भी गया लड़कों पकड़ने। आज कहाँ कहाँ से जानवर इकट्ठे हैं? काली पुतली चौक, इधर हनुमान चौक, इधर साइड बैठे बॉम्बे का चौक, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार 17 मार्च मंगलवार को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न करवाई गई, जहां जिले में बनाए गए 806 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने गणित विषय का पर्चा हल किया। वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण नहीं बने। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार मंगलवार को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के 40,975 विद्यार्थियों में से 38,721 विद्यार्थियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय का पर्चा हल किया, जबकि इस परीक्षा में 2,254 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पास्को एक्ट के विद्वान विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने आरोपी किशोर पिता निरंजन कटरे, 25 वर्ष ग्राम मोहनपुर थाना रुपजर निवासी को हत्या बलात्कार के मामले में दोष मुक्त करते हुए उसे अपहरण के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस मामले में एक अन्य आरोपी दिनेश उर्फ गुड्डू टेकाम, 37 वर्ष बैयर निवासी को दोष मुक्त कर दिया है। साक्ष्य विवेचना के उपरांत थाना द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया और विचारण पूर्ण होने के बाद माननीय न्यायालय श्री रामजीलाल ताम्रकार विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट ने धारा 363 में आरोपी किशोर कटरे को दंडित पाते हुए आज 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5,000 के दंड से दंडित किया। धारा 363 में भी 5 वर्ष 5 साल की सजा, ₹5,000 की सजा हुई है। कोरोना वायरस को लेकर जिले में धारा 144 लागू होने और कार्यक्रम को लेकर शासकीय अनुमति न मिलने के चलते 17 मार्च को मंगलवार से शुरू होने वाला हजरत सैयद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्ला अलैह उर्फ कुंडे वाले बाबा का 42वां सालाना उर्स आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते सर्किट हाउस परिसर में उर्स मुबारक के मौके पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं शासकीय आदेश के बाद पुनः कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी तमाम जानकारी हजरत सैयद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्ला अलैह उर्फ कुंडे वाले बाबा दरबार कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक डोहरे ने दी। उन्होंने बताया कि सन 1978 से प्रतिवर्ष उर्स मुबारक के मौके पर 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक युवक की मौत, 3 घायल, बैयर रोड पर पीपर टोला के पास की घटना। भारतीय स्टेट बैंक की पहल, मिनिमम बैलेंस और एसएमएस पर नहीं लगेगा चार्ज। राजस्व विभाग में हर काम ऑनलाइन, पटवारी को लैपटॉप का इंतजार।
31 मार्च तक मैरिज लॉन में नहीं बज पाएगी शहनाई। जिला प्रशासन ने दिए लॉन बंद करने के आदेश। विधि और विधायी कार्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश। पूर्व अभियोजक और लोक अभियोजक बने रहेंगे यथावत। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 18 से 22 मार्च के बीच जिले में फिर हो सकती है बारिश। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।